नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। हर साल की तरह इस साल भी देशभर के बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। वो भारत मंडपम में मौजूद हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले देशभर के 10वीं और 12वीं के क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी हर साल करते हैं और पीएम को सुनने के लिए हजारों छात्र जुटते हैं। इस बार देशभर से 2.25 करोड़ छात्र वर्चुअली शामिल हैं। सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। इतने से बात बननी नहीं है और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए, उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। धन्यवाद। पीएम सर, प्रेशर झेलने का मार्ग सुझाने के लिए आपका धन्यवाद। वीर सावरकर के बलिदान के साक्षी एवं अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक अभिभावक भाग्य लक्ष्मी जी हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही हैं। भाग्य लक्ष्मी जी, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। एक अभिभावक होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि छात्रा पर जो पीर प्रेशर रहता है, जो कि एक तरह से दोस्ती की सुंदरता छीन लेता है और छात्राओं को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करा देता है, उस पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे समाधान दें। धन्यवाद। धन्यवाद भाग्य लक्ष्मी जी। विश्व को सत्य, अहिंसा और धर्म की त्रिमूर्ति प्रदान करने वाली भूमि गुजरात स्थित पंचमहल के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दृष्टि चौहान प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहती हैं। दृष्टि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं दृष्टि चौहान जवाहर नवोदय विद्यालय पंचमहल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद दृष्टि। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर, बारिश की पहली बूंदों से भीगने वाला राज्य केरल में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कालीकट से स्वाथी दिलीप हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं और आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्वाथी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम स्वाथी दिलीप, अ क्लास 11 स्टूडेंट फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कैलिकेट ऑफ एर्नाकुलम रीजन। सर, कुड यू प्लीज गाइड अस ऑन हाउ इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी कैन अवॉइड अनहेल्थी एंड अननेसेसरी कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो हाउ टू नॉट टेक पीयर प्रेशर इन टू आर हेड्स। थैंक यू सर। धन्यवाद स्वाथी। प्रधानमंत्री जी, कृपया भाग्य लक्ष्मी जी, दृष्टि और स्वाथि द्वारा पूछे गए प्रश्नों में पीयर प्रेशर और कॉम्पिटिशन से होने वाली चिंता तथा इसके कारण रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए,
कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी मां बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए, तो कभी उन दो भाई बहन में भी, या दो भाई में भी, या दो बहनों में भी, देखिए मां ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया, एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए, उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ दिव्यांग बच्चे उनकी एक कॉम्पिटिशन में सब दौड़ रहे हैं, 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते, वाह ये तो गया, चलो यार एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए, पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है। भाई मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या, आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या, आपके लिए भी तो 100 है ना, तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है, खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं, उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप, अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे, आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए हमने, जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। और तीसरा, मां बाप के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मां बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहे, देख तू खेलता रहता है, देख वो किताबें पढ़ता है, तू ये करता रहता है, देख वो पढ़ता है, यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं, तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके मां बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तो मैंने देखा है
कि जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियां के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है, वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भी बहुत नुकसान करता है। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर अगर मैथमेटिक में एक्सपर्टाइज है, मेरी कम है, मेरे टीचर से ज्यादा अगर मेरा दोस्त मुझे मैथमेटिक में मदद करेगा तो वो मेरी साइकी समझ करके करेगा और हो सकता है मैं भी उसी की तरह मैथमेटिक में आगे जाऊंगा। वो अगर लैंग्वेज में वीक है और मैं लैंग्वेज में मजबूत हूं, मैं अगर लैंग्वेज में उसकी मदद करता हूं, तो हम दोनों को एक दूसरे की ताकत जोड़ेगी और हम अधिक सामर्थ्यवान बनेंगे। और इसलिए कृपा करके हम अपने दोस्तों से स्पर्धा और ईर्ष्या के भाव में न डूबें। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि खुद फेल हो जाए लेकिन अगर दोस्त सफल हुआ है तो मिठाई वो बांटता है। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं कि जो बहुत अच्छे नंबर से आए हैं लेकिन दोस्त नहीं आया, इसलिए उसने अपने घर में पार्टी नहीं की, फेस्टिवल नहीं मनाया। क्यों? मेरा दोस्त पीछे रह गया। ऐसे भी तो दोस्त होते हैं। और क्या दोस्ती लेन देन का खेल है क्या? जी नहीं, दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है। जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। और ये जो दोस्ती होती ना, वो स्कूले छोड़िए जिंदगी भर आपके साथ रहती है। और इसलिए कृपा करके दोस्त हमसे ज्यादा तेजस्वी तपस्वी हमें चुनने चाहिए और हमेशा उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, स्पर्धा में भी मानवीयता का ये संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य, कृषि प्रधान प्रदेश, तिरुमलाई की पवित्र भूमि आंध्र प्रदेश स्थित ZP हाई स्कूल उपरापल्ली अनकापल्ली जिले के संगीत शिक्षक श्री कोंडा कांची संपत राव जी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। संपत राव जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री वर्य वाली नमस्ते मंजलि, मेरा नाम पंडित संपत राव है और मैं ZP हाई स्कूल उपरापल्ली अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में शिक्षक हूँ। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में मैं किन तरीकों से अपने छात्रों को परीक्षा देने में तनाव मुक्त बनाने में मदद कर सकता हूं, कृपया इस पर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारत के पूर्व में चाय बागानों तथा सुंदर पर्वतीय प्रदेश ब्रह्मपुत्र की भूमि असम के शिव सागर स्थित हाशारा हाई स्कूल से एक टीचर बंटी मेधी जी, जो कि सभागार में उपस्थित है, प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम बंटी मेधी, ए टीचर फ्रॉम शिवसागर डिस्ट्रिक्ट आसाम।
My question is, what should be the role of a teacher in motivating students? Please guide us. Thank you. धन्यवाद मैम. प्रधानमंत्री जी, कृपया आंध्र प्रदेश के संगीत शिक्षक श्री संपत राव जी और सभागार में उपस्थित शिक्षिका बंटी मेथी जी द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों में वे परीक्षा के समय शिक्षकों की भूमिका के विषय में जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने में सहायता करें. कृपया समस्त शिक्षक वर्ग का मार्गदर्शन कीजिए. पहले तो मैं समझता हूं जो संगीत के टीचर है वो तो अपने क्लास नहीं पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खत्म कर सकते हैं. संगीत में वो सामर्थ्य है. हाँ, अगर हम कान बंद कर करके संगीत में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं संगीत बज तो रहा है लेकिन हम कहीं और होते हैं और इसलिए हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं. मैं समझता हूं कि किसी भी टीचर के मन में जब ये विचार आता है कि मैं स्टूडेंट के इस तनाव को कैसे दूर करूं, मैं हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन शायद मुझे लगता है कि टीचर के मन में परीक्षा का कालखंड है. अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए. आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी. आप सोचिए आज मोबाइल का जमाना है, स्टूडेंट के पास भी आपका मोबाइल होगा ही होगा. क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको फोन किया है, कॉल पर कांटेक्ट किया है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चिंता में हूं? कभी नहीं किया होगा. क्यों? क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में आपका कोई विशेष स्थान है. उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्ट है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, लैंग्वेज है. जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा. अगर ये नाता है तो एग्जाम के समय तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी. आपने कई डॉक्टर्स देखे होंगे, उन डॉक्टर में डिग्री तो सबके पास होती है लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ज्यादा सफल इसलिए होते हैं कि पेशेंट आकर के जाने के बाद एक आध दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं कि भाई आपने वो दवाई ठीक से ले ली थी, कैसा है आपका. वो दूसरे दिन अपने अस्पताल आएगा तब तक इंतजार करने के बजाय बीच में एक आध बार बात कर लेते हैं और वो बॉन्डिंग होता है ना वो उसको आधा ठीक कर देता है. आप में से कोई टीचर ऐसे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया और जाकर के उसे परिवार में बैठकर के कहा भाई आज तो मैं मिठाई खाने आया हूं, आपके बच्चे ने इतना शानदार कर दिया, आज आपसे मिठाई खाऊंगा,
आपको कल्पना आती है कि उस मां बाप को जब आप बच्चे ने तो बताया ही होगा घर में जाकर के कि आज मैं ये करके आया हूं, लेकिन एक टीचर खुद जाकर के अगर बताता है तो उस परिवार में टीचर का आना, टीचर का बताना उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी कभी कभी और कुछ सोचता होगा। जब टीचर ने आके कहा तो परिवार भी सोचा यार मेरे बच्चे में ये तो शक्ति हमें मालूम नहीं थी, लेकिन टीचर ने जो वर्णन किया वाकई हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि एकदम से माहौल बदल जाएगा। और इसलिए पहली बात यह है, परीक्षा के समय तनाव दूर करने के लिए क्या करना, उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ कह चुका हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। लेकिन अगर वर्ष भर आपका उसके साथ नाता रहता है, मैं तो कभी कभी पूछता हूं कई टीचरों को कि भाई आप 30 साल से टीचर हैं, जो पहले बार आपके यहां पढ़ाई करके गए होंगे शुरू में, अब तो उनकी शादी हो गई होगी, क्या कोई आपका स्टूडेंट अपना शादी का कार्ड देने आया था क्या? 99% टीचर मुझे कहते हैं कि नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मतलब हम जॉब करते थे, हम जिंदगी नहीं बदलते थे। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है और वही परिवर्तन लाता है। धन्यवाद। शिक्षक एवं शिष्य के संबंधों में आपसी विश्वास महत्वपूर्ण है, हमें नया दृष्टिकोण देने के लिए धन्यवाद। अद्भुत जनजातीय संस्कृति को समेटे पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा के प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा की छात्रा आद्रिता चक्रवर्ती हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी समस्या का समाधान चाहती हैं। आद्रिता कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम आद्रिता चक्रवर्ती है, मैं प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि पेपर खत्म होने के आखिरी कुछ मिनटों में मैं घबरा जाती हूँ और मेरा लिखावट भी बिगड़ जाती है, मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं? मुझे इसका समाधान दीजिए, धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू आद्रिता। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर दान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय करब कांकेर के छात्र शेख तैफुर रहमान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। तैफुर रहमान कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम शेख तैफुर रहमान है, मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कांकेर छत्तीसगढ़ का छात्र हूँ। मान्यवर, परीक्षा के दौरान अधिकांश छात्र घबराहट महसूस करते हैं, जिसके कारण वे मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि प्रश्नों को सही ढंग से ना पढ़ना आदि। मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए, कृपया अपना मार्गदर्शन दें, धन्यवाद। शुक्रिया तैफूर। उड़ीसा आदर्श विद्यालय कटक से हमारे बीच इस सभागार में एक छात्रा राजलक्ष्मी आचार्य मौजूद है, वे प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। राजलक्ष्मी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। तो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम लगातार चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब दे रहे थे, इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।